विधायक उमेश कुमार मामले में उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एसएलपी को वापस न लेने का फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि हाई कमान के कहने पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया, जिसके बाद त्रिवेंद्र रावत और उमेश कुमार के बीच चल रही सियासी जंग फिर से नए मोड़ पर आ गई। त्रिवेंद्र जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संगठन के विभिन्न पदों पर रहे हैं, संगठन मंत्री भी रहे हैं और आज सरकार और संगठन उनके साथ में। मैं पूरी सरकार को चुनौती देता हूं धामी जी की कि आप में जितना दम है अपनी एडी चोटी का दम लगाइएगा, हम भी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में आप कहां तक हमारे साथ लड़ाई लड़ते हैं। सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, कोई स्थायित्व तो नहीं है, सरकार के निर्णयों में कोई स्थायित्व तो नहीं है। उत्तराखंड में सरकार बनाम त्रिवेंद्र रावत मामले में नया मोड़ आ गया है। कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के दिल्ली के दबाव के बाद अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस न लेने का फैसला किया है। जाहिर है कि अब खानपुर से विधायक उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का केस जारी रहेगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सरकार के इस फैसले का त्रिवेंद्र रावत ने विरोध किया था। त्रिवेंद्र रावत के हाईकमान से हुई बातचीत के बाद धामी सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। सरकार ने जो फैसला लिया है क्योंकि नेतृत्व उसको देख रहा था, बातचीत करने के बाद निर्णय लिया गया है और हमारी पार्टी की ये विशेषता है, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो वो कार्यकर्ता के साथ खड़ा होता है। त्रिवेंद्र जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संगठन के विभिन्न पदों पर रहे हैं, संगठन मंत्री भी रहे हैं और आज सरकार और संगठन उनके साथ में खड़ा है। अब सवाल है कि सरकार के यू टर्न के बाद अब विधायक उमेश कुमार क्या करेंगे। उमेश कुमार से एबीपी गंगा ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि वो इस लड़ाई को हर मोर्चे पर जारी रखेंगे। लोग कह रहे हैं यू टर्न लिया, भाई वो भाजपा है, उनके आपसी निर्णय हैं, इंटरनल उनकी बातें हैं। मैंने उनका तब भी स्वागत किया था जब उन्होंने कहा था कि हम सरकार सुप्रीम कोर्ट से वाद वापस ले रही है। मैं उनका आज भी स्वागत करता हूं कि आप मुझसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं राजद्रोह के मामले में, सुप्रीम कोर्ट लड़िए। मैं पूरी सरकार को चुनौती देता हूं धामी जी की कि आप में जितना दम है अपनी एडी चोटी का दम लगाइएगा, हम भी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में आप कहां तक हमारे साथ लड़ाई लड़ते हैं। इस मामले के बाद अब भाजपा सरकार विपक्ष के निशाने पर भी है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा की कथनी और करनी में काफी अंतर है। आपसे बातचीत में हमने कहा कि सरकार ढुलमुल नीति चल रही है, सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, कोई स्थायित्व तो नहीं है, सरकार के निर्णयों में कोई स्थायित्व तो नहीं है। ये देखिए, एक सरकार ने एसएलपी दाखिल की और आपकी फिर पुनः वही सरकार है, वही पार्टी है, वही कैबिनेट है, उन्होंने कहा कि हम एसएलपी वापस लेते हैं साहब, और आज समाचार पत्रों में कर रहे हैं कि सरकार एसएलपी वापस नहीं होगी। ये इसलिए मैंने कहा था, कल भी कहा था, आज भी हम इस बात को कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है भाजपा की सिरफुटोवल, भाजपा की अंतरकलह अंतर्द्वंद सामने आ रहा है। त्रिवेंद्र सिंह जी दिल्ली में हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा उस मुकदमे में प्रभाव अगर किसी के राजनीति जीवन में जा रहा है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के जीवन में जा रहा है। यही हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे और त्रिवेंद्र सिंह जी को बचाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। उमेश कुमार और त्रिवेंद्र रावत का मामला एक बार फिर से नए मोड़ पर आ गया है। उमेश कुमार साफ कर चुके हैं कि वो इसके लिए तैयार हैं। अब सवाल है कि धामी सरकार क्या वाकई हाईकमान के दबाव में यू टर्न लेने पर मजबूर हुई या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा और पंकज राणा के साथ रुड़की से विनोद त्यागी की रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां उत्तरकाशी में सड़क किनारे मैक्स गाड़ी टकरा गई। बारातियों से भरी हुई थी ये मैक्स गाड़ी और सड़क किनारे अचानक से टकरा गई। शराब के नशे में धुत होकर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी बारातियों से भरी हुई थी और अचानक ये गाड़ी सड़क किनारे टकरा गई। मैक्स गाड़ी बताई जा रही है और आरोप है कि नशे में धुत होकर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। बढ़ते हैं आगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय अल्मोड़ा दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री आजीविका महोत्सव, लोगों से संवाद, मल्ला महल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा कई कार्यक्रम में वो शामिल हुए। अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने जिला पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही जिले में विकास कामों की समीक्षा सहित करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम ने कहा कि आजीविका महोत्सव के जरिए इस बार लाभार्थियों को 20 करोड़ का लोन दिया गया है।
हमने जो भी हमारे विभाग हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सभी की यहाँ पर समीक्षा की है, क्योंकि और ये सब योजनाएं हमारे यहाँ के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अगर टाइम ज़्यादा लग जाता है तो उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक तो योजनाओं की लागत बढ़ती है, आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दो रोडें जो यहाँ से हमारा पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली दनिया से होकर जाने वाली सड़क है, या हमारी गर्म पानी से भारत की तरफ को जाने वाली सड़क है, उन दोनों सड़कों की भी समीक्षा की जल्दी से जल्दी उस पर काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले और दौड़ भी लगाई। इसके साथ ही सीएम धामी ने बैडमिंटन भी खेला। सीएम ने इसके लिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। अल्मोड़ा में ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दौड़ है। मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ इस तरीके से दौड़ लगाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ते हुए नजर आए। इसके साथ ही सीएम धामी ने बैडमिंटन पर भी हाथ आजमाया। एक छोर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बैडमिंटन के रैकेट थामे हुए हैं, तो दूसरे छोर पर लड़की उनके साथ बैडमिंटन खेल रही है। खेल और दौड़ के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी युवाओं को फिट रहने का संदेश दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, पढ़ाई के साथ ही फिट रहना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए अहम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल को हमें अपनी आदत में शुमार करना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों से भी मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना, साथ ही लोगों से सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक भी लिया। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।